अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस। पिछली वीडियो में हमने कैथोड रेस की डिस्कवरी को डिस्कस किया हुआ था कि किस तरह विलियम क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कैथोड रेस को डिस्कवर किया और उस टाइम उसने इसको नाम दिया कैथोड रेस। अब बाद में साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए, वही डिस्चार्ज ट्यूब था, मुख्तलिफ डिज़ाइन उसके आ गए, वही बेसिक प्रिंसिपल था। इस बुनियाद पर जब सारी एक्सपेरिमेंट हो गई तो लास्ट में ये कंक्लूजन आ गई कि दीज आर नॉट एक्चुअली कैथोड रेज बट दे आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ द गैस विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। सो लेट स्टार्ट। पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कैथोड रेस, के कैथोड रेस पर मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। जे जे थॉमसन ने 1897 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है कि वही डिस्चार्ज ट्यूब है, एक तरफ कैथोड, दूसरी तरफ एनोड, वही इनसाइड वही गैस होगा और उसके लिए वैक्यूम पंप जो है लगा होगा डिजायर्ड प्रेशर के लिए और वोल्टेज और सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हुई थी वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड की गई है कि मैग्नेट जो है वो रखा गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया कि ये फॉर एग्जांपल इस तरह का ट्यूब है तो इस ट्यूब के ऊपर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई किया गया। अब मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया गया और फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखा गया था, फ्लोरेसेंट स्क्रीन इसलिए रखा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड पर इन रेस का क्या इफेक्ट होता है, तो ऑब्जर्व किया गया कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जो कैथोड रेस थी वो एक पॉइंट पर स्ट्राइक हुई, जिससे ये पता चलता था कि कैथोड रेस व्हेन पास थ्रू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे बेंड एट अ राइट एंगल। सो राइट एंगल पर जब भी कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी वो चार्ज होती है और इसको आप मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हो तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ जब ये इंटरेक्ट करता है तो ये रोटेट करता है, मतलब ये कि ये बेंड करता है हर पॉइंट पर एट एन एंगल ऑफ 90, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन शुरू कर देता है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन यही निकलता है कि दीज आर चार्ज पार्टिकल्स। एक्चुअली कैथोड रेज जो है ये चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि चार्ज बॉडीज ही मैग्नेटिक फील्ड में जाकर वो रोटेट होते हैं। दूसरा के इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो हमने स्टडी किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, तो व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दे बेंड टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इट मीन्स दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। This was demonstrated by J.J. Thomson, accompanied by another scientist. वही ट्यूब है, वही डिस्चार्ज ट्यूब है, वही एक तरफ जो है वो कैथोड लगा है, दूसरी तरफ एनोड लगा है। अब जब डिजायर्ड प्रेशर पर, लो प्रेशर पर, हाई वोल्टेज पर कैथोड रेस प्रोड्यूस होते हैं तो एज वी नो दे मूव टूवर्ड्स द एनोड, एनोड की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर इसके इस ट्यूब के आउटसाइड एरिया पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। अब ऑब्जर्व किया गया कि ये रेज जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बेंड हो रहे थे, इसका मतलब है कि दे हैव नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव की तरफ वो बेंड होंगे। फॉर एग्जांपल ये ट्यूब है, अब इस ट्यूब के एक तरफ आपने पॉजिटिव प्लेट रखा, दूसरी तरफ जो है नेगेटिव प्लेट रखा, अब ये रेज आ रही है, अब ये रेज बेंड हो रही है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अब अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही है इट मींस दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज, एंड दिस वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय जे जे थॉमसन। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। जब कैथोड रेज, वही कंस्ट्रक्शन है सारी चीज़ें, जब कैथोड रेज जो है वो उसके पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया, ओपेक का मतलब ऐसा होता है जो गैर शफाफ होता है, मतलब ये कि लाइट उससे पास नहीं कर सकती, तो कैथोड रेज जैसे वो आ रही थी और दरमियान में इसके एक ओपेक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया
तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर, एग्जैक्ट अपोजिट साइड पर उसी ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो जो है वो प्रोड्यूस हो गया। व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन देयर पाथ दे कास्ट शेडो, इट मींस दैट दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये है कि कैथोड रेज आ रही है, ओपेक ऑब्जेक्ट आपने रखा जिससे लाइट पास नहीं होती, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर शेडो प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि दीज रेज एक्चुअली ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था हेटोर्फ ने। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन स्मॉल पैडल व्हील, दे रोटेट स्मॉल पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ विच मीन्स दैट दे आर मटीरियल इन नेचर एंड हैव मास एंड वेलासिटी। मतलब ये कि इसकी मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर आप देखें, एक तरफ कैथोड है वही ट्यूब, दूसरी तरफ एनोड है, ये वैक्यूम पंप लगा होता है ताकि कोई भी डिजायर्ड प्रेशर हम ऑब्टेन कर सके। क्रूक्स ने 1870 में इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ था कि एक स्मॉल रोटेटिंग पैडल व्हील जो है वो रखा गया, तो जो पैडल व्हील था तो कैथोड रेज जब वो आ रही थी तो ये इस पैडल व्हील को रोटेट कर रही थी। अब इसका मतलब क्या है कि छोटा सा स्मॉल पैडल व्हील आपने ट्यूब के अंदर जो है वो रखा हुआ है, और वही स्मॉल पैडल व्हील जो है जब कैथोड रेज आ रही है इसको वो रोटेट कर रहा है। अब इस रोटेशन का मतलब ये है कि दीज आर नॉट रेज, दीज आर एक्चुअली पार्टिकल्स, दीज आर एक्चुअली अ बंच ऑफ मूविंग पार्टिकल्स एंड दे हैव काइनेटिक एनर्जी एंड दे हैव मोमेंटम। इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी भी है, इसकी मोमेंटम भी है। मतलब ये कि मोमेंटम जिस तरह हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलासिटी, तो मतलब डेफिनेटली इसका मास होगा, इसकी जो है वो वेलासिटी होगी। इसके अलावा जो कैथोड रेज हैं इसके और भी प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन दे स्ट्राइक अ थिन मेटल फॉइल लाइक प्लैटिनम द मेटल बिगेन्स टू ग्लो, दिस इज बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी एंड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी टू हीट अप द मेटल फॉइल। कैथोड रेज है, फॉर एग्जाम्पल आपने सामने इसका मेटल फॉइल रख दिया, अब कैथोड रेज आ रही है इस मेटल फॉइल को वो स्ट्राइक कर रही है, तो कुछ टाइम बाद जो है ये मेटल फॉइल जो है वो गर्म हो जाएगा और ये ग्लो प्रोड्यूस करेगा, चमक प्रोड्यूस करेगा। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कैथोड रेज चूंकि बंच ऑफ मूविंग पार्टिकल्स हैं, दे हैव मोमेंटम, दे हैव काइनेटिक एनर्जी एंड वाइल स्ट्राइकिंग द मेटल प्लेट या शीट जो भी आपने रखा हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मेटल फॉइल जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि दे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक मेटल टारगेट दैट इज एनोड। फॉर एग्जांपल, एक तरफ कैथोड लगा है या दूसरी तरफ जो है वो एनोड लगा है, तो जिस तरह वो समझा जा रहा था कि ये जो कैथोड रेज है ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रही है, तो जब ये मेटल टारगेट पर जो सामने एनोड है जो मेटल से बना है उस पर ये लगती है तो उससे क्या करती है, एक्स रेस को इमिट करती है। अब एक्स रेस को हम डिटेल से आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो एक्स रेस प्रोडक्शन जो है वो होती है जब कैथोड रेज मेटल टारगेट को जो कि एनोड है उसको जब हिट करती है, या इसके पाथ में जो भी आप मेटल टारगेट रखोगे तो इसे ये एक्स रेज वो प्रोड्यूस करेगी। दूसरी ये कि दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट, दस दे कैन आयनाइज गैसेस एंड कैन कॉज अ केमिकल चेंज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कैथोड रेज हैं जिस तरह हमने डिस्कस किया कि दे आर अ बंच ऑफ मूविंग पार्टिकल एंड एक्चुअली दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का डेफिनेटली रिड्यूसिंग इफेक्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल या पॉजिटिव सब्सटेंस में या किसी स्पीशी में ये एडअप हो जाती है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि वो इसको रिड्यूस करती है। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डेफिनेटली हम जो है वो रिडक्शन वो बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज जिसको पहले समझा जा रहा था कि दे आर कैथोड रेज, दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट एंड दे कैन काज अ केमिकल चेंज। जिस तरह पिछली वीडियोस में हमने कुछ रिएक्शन पढ़े हुए थे कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, दूसरा गेन करके उसमें केमिकल चेंज आ जाती है, या फॉर एग्जांपल जो मेटालिक रिएक्शन होते हैं उसमें जब मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है तो वही इलेक्ट्रॉन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर लेता है, तो डेफिनेटली अ केमिकल चेंज अकर्स, सो दे कैन काज अ केमिकल चेंज। कंक्लूजन क्या निकलता है कि दीज आर नॉट रेज, दे आर पार्टिकल्स एंड दे वर नेम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज इलेक्ट्रॉन्स बाय अ साइंटिस्ट जी जे स्टोनी। दूसरा, दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, रेदर दे आर प्रोड्यूस बाय द आयनाइजेशन ऑफ द गैस इनसाइड द ट्यूब।
सारी जो हमने डिस्कशन की पिछली वीडियो में कंस्ट्रक्शन पढ़ी, सारी डिस्कशन का खुलासा यही है कि ये जो कैथोड रे ट्यूब थी जिसमें कैथोड रेज प्रोड्यूस हो गई थी वो एक्चुअली कैथोड रेज नहीं थी, दीज वर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, ये पार्टिकल्स थे, ये कैथोड से नहीं निकले हुए थे जिस तरह समझा जा रहा था। जो गैस ट्यूब के अंदर मौजूद था उस गैस के आयनाइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे और एनोड की तरफ आ रहे थे, एक्चुअली यही जो है कैथोड रेज है। तो इन दोनों नामों से आपको इससे एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। नेक्स्ट वीडियो में चार्ज टू मास रेशो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के लिए हम डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।